नवजात बच्ची का अंतिम संस्कार करने के लिए गए तो अचानक कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर पिता के होश उड़ गए। लोगों की आंखें भी फटी रह गई। आपको भी यकीन न होगा, मामला हरियाणा के यमुनानगर का है। डिलीवरी के बाद डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पिता अंतिम संस्कार के लिए ले गया तो आखिरी बार चेहरा देखने के लिए पॉलिथीन हटाया तो देखा कि बच्ची की आंखें खुली हैं और वह हाथ हिला रही है। यह देखते ही पिता चिल्लाने लगा और बच्ची को पॉलिथीन से बाहर निकाला। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन फिर भी घर वाले बच्ची को डॉक्टरों के पास ले गए ताकि पता चल जाए कि वह जिंदा है या नहीं, उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं। पुराना हमीदा की अनंत कॉलोनी के निवासी जुबेर हसन ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार के रोहतास गांव घमाडी का रहने वाला है। उसकी पत्नी शाहिना खातून 6 महीने से गर्भवती थी। शुक्रवार सुबह पेट में दर्द होने पर वह उसे जेपी अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए ले गया। डॉक्टर ने बताया कि डिलीवरी समय से पहले हो जाएगी। अस्पताल में उनके साथ शाइना की बहन शाबिना खातून भी थी। जुबेर हसन ने बताया कि शनिवार सुबह 4 बजे शाहिना ने नॉर्मल डिलीवरी से बच्ची को जन्म दिया। स्टाफ ने उन्हें बताया कि बच्ची मरी हुई है। डॉक्टरों ने बच्ची को एक थैली में बांधकर दे दिया। उसे लेकर वह घर गए। जब बच्ची को दफनाने की तैयारियां हो रही थी तब बच्ची की आंखें खुली और वह हाथ हिला रही थी। वे बच्ची को तुरंत सिविल हॉस्पिटल ले गए। वहां से उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि उनके पास बच्ची को रखने के लिए मशीन नहीं है, इसलिए वह उसे पीजीआई ले जाएं। वह उसे पीजीआई की बजाय घर ले आए। मामले में बच्ची के प्रियजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। न्यूज़ FYI की रिपोर्ट।